अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके सफ़र YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, यदि आप अभी कतर में हो तो आप चेक करना चाहते हो ऑनलाइन खुद से कि आपका एग्ज़िट परमिट रिक्वायर्ड है या नहीं है, यानी आप कतर से कंपनी को बिना इन्फॉर्म किए निकल सकते हो या नहीं निकल सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों मैं आके आपको बताने वाला हूं। तो कैसे आप चेक कर पाओगे कि एग्जिट परमिट आपका रिक्वायर्ड है या नॉट रिक्वायर्ड है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है, वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आप कतर में मौजूद हो, काम वगैरह कहीं पर भी करते हो तो आप ये कैसे खुद से ऑनलाइन पता कर पाओगे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र दोस्तों ओपन करके इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि वो वेबसाइट अच्छा है। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन करने के बाद वहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना है MOI कतर। दोस्तों जैसे यहां पे लिखोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जैसे कि वीडियो के स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हो। तो MOI कतर खोलने के बाद नीचे दोस्तों इस तरह का पेज खुलेगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको बहुत सारे दोस्तों इसमें ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पे एक आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ऊपर में लिखा हुआ है ट्रैफिक इंक्वायरी, नीचे वीजा सर्विस, उसके नीचे एग्जिट एंड एंट्री परमिट। तो तीसरे नंबर में जिसमें फ्लाइट का आइकन बना हुआ है एग्जिट एंट्री परमिट का, उसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों नेट थोड़ा स्लो, इसलिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। तो इस नीचे आपको इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें भी दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि प्रिंट एंट्री परमिट, लीव नोटिफिकेशन इंक्वायरी, बहुत सारा ऑप्शन वगैरह आपको इसमें मिल जाएगा। तो आपके दूसरे नंबर में जो लीव नोटिफिकेशन इंक्वायरी है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों इसमें आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक दोस्तों ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्जिट परमिट इंफॉर्मेशन, यानी आपका परमिट का एग्जिट का दोस्तों इंफॉर्मेशन इसमें क्या है, वो चीजें इसमें आपको मिल जाएगी। तो आपको डालना है यहां पे QID नंबर। तो दोस्तों कतर का जो भी आपका QID नंबर है, यानी कतर के जो ID नंबर है, वो यहां पे आपको फिल अप कर देना है। उसके बाद जो भी आपका कैप्चा होगा दोस्तों, कैप्चा अभी देखिए 711 है, पर आप जब खोलोगे कुछ और भी हो सकता है, तो कैप्चा आपको सिंपली डाल के आपको सर्च कर देना है। तो जो भी लिखा हुआ वहां पर आएगा दोस्तों, एग्जिट परमिट रिक्वायर्ड या नॉट रिक्वायर्ड, तो आपके सामने आ जाएगा। उसके हिसाब से दोस्तों आप कंपनी को इत्तला करके या फिर नहीं इत्तला करना चाहो तो कर सकते हो। इस तरह से एग्जिट परमिट को आप चेक कर सकते हो कि आप पे बैंड लगा है या नहीं लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।